तारीख और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। क्राइम ब्यूरो यूपी लाइव 100 न्यूज से इस समय में जनपद रावस्ती के ग्राम पंचायत तिलोकपुर गांव में उपस्थित हूं। यहां पे आवास को लेकर कुछ ग्रामीणों से वार्तालाप करना है और देखते हैं उनको क्या उनका क्या कहना है। आपका क्या नाम है? हाँ सर, मेरा नाम कमलेश कुमार है। हाँ, आप आवास के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? कहना यह चाह रहा हूँ कि हमारा घर ये कच्चा मकान का बना हुआ है और इधर बंजर वंजर लगा हुआ है। रात में सोते समय सांप बिच्छू भी आ जाते हैं और सेक्रेटरी से और प्रधान से मैं कई बार कह चुका हूँ कि मेरा आवास दे दीजिए, मुझे घर दे दीजिए, मैं घर बनवा लूँ। तो मंत्री ने कहा कि हाँ तुमको आवास दे देंगे। उसके बाद में कहने के बावजूद 20,000 रुपया का डिमांड रखा है, इसमें से 1,000 रुपया मैं दे चुका हूँ, 19,000 रुपया बाकी है और बोल रहे हैं कि जब 20,000 दोगे तब पूर करूँगा, आवास तुमको दूंगा। लॉकडाउन की वजह से मैं कहीं कमाए गए ना इन कहीं, और गरीब आदमी मजदूर आदमी खेती पाती है ना एक को बिसवा, और ऐसे मजदूरी मेहनत करके खरीद पैसा ना देने के कारण से नहीं मेरा सूची से नाम काट दिया गया है और मुझे घर नहीं दिया गया है। अगर घर मुझे नहीं दिया जाएगा तो मैं विजय सिंह यादव के मंत्री के मैं विधानसभा मंडल लखनऊ में जाके केस करूँगा, अपने औरत को साथ में ले जाके अपना घर दिखाऊंगा, सर्वे कराऊंगा। उसका कहना है कि 20,000 रुपया न दे पाने के कारण मेरा आवास कट गया है। लॉकडाउन के वजह से कमा नहीं सके इसलिए उनका आवास कट गया है। और चलते हैं दूसरे से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? हाँ, तो आपको आवास नहीं मिला है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? यहाँ का प्रधान कौन है? नरेश यादव। प्रधान से नरेश से कहते हैं तो नहीं दे रहे हैं। और तो मेरे हमारे जबरदस्त की फोटो भी दसवा मकान देख कर खींच ले ही नहीं, हमारे पुताहा घर बना है, हमारा मकान ना खींची नहीं, दवाल उठी है तो कच्ची दवाल है। अपना नाम क्या बताया था? पूजा देवी। क्या कहना है कि मेरा फोटो को खींच कर पक्का मकान दिखा दिया गया है? सेक्रेटरी प्रधान मंदिर सेक्रेटरी दोनों जन मिलते हैं। सेक्रेटरी और प्रधान की मिली भगत है, इसमें सेक्रेटरी और प्रधान मिलकर पक्का मकान दिखाया गया है। उनका इनका घर फूस और छप्पर से बना हुआ मिट्टी का दीवार है, कच्चा है। और इसके बावजूद आप क्या कहना चाहती हैं? अम्मा जी बोलिए, आप क्या कहना चाहती हैं? चाहते हमको वोट नहीं दिया है। वोट देगा वही आवाज पाएगा। यहाँ ग्रामीणों का कहना है जो वोट देगा वही आवाज पाएगा। आओ चलते हैं, अम्मा से कुछ पूछते हैं। हमको वोट दो या न दो? वोट दो या न दो? आपके लड़के ने भी कहा पैसा मांग रहे थे प्रधान। हाँ मांग रहे थे पैसा, मांगा था प्रधान जी, लेके कहाँ बाहर कहाँ कमाए जाए, लेके कमाए जाए तो उन्हीं में कुछ खाद है ना, खेती ना बाजी कहाँ से लिए पैसा, मैंने खबो खावा से लेके दिया हुआ है तो कहाँ से खावा जाए कहाँ से दिया जाए। पैसा ना दे पाने के कारण इनका आवाज नहीं मिला।